देखिए, हम यहाँ बात कर रहे थे इन तीनों प्रोग्राम्स में, एपिसोड्स में, दो अलग सिस्टम्स के बारे में. हमने दोनों को इवैल्यूएट किया कि व्हाट आर द फाइनल आउटकम जो इससे निकलते हैं, इंडिविजुअल तौर पर, सोसाइटी के तौर पर, कंसेंट जहाँ हो, जहाँ कंसेंट ना हो, फैमिली जहाँ पे हो, मैरिज जहाँ हो, जहाँ मैरिज ना हो, हमने ये सबको देखा. इन कंक्लूजन मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ. फर्स्ट बात ये बोलना चाहता हूँ कि कोई औरत जो अपने आप को कवर करती है, एक ये शाइनेस और एक ये हया, मॉडेस्टी के अंदर अपनी ब्यूटी होती है. सुन्नत तिर्मिज़ी की एक हदीस है जहाँ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई चीज़ में जब हया आती है तो वो और ब्यूटीफुल बन जाती है, और कोई चीज़ में जब बेहयाई आती है उसकी ब्यूटी कम हो जाती है, डिमिनिश होती है कुछ. तो ये एक फैक्टर है जो एक्सपीरियंस कर सकती है हमारी सिस्टर्स वो ब्यूटी को. और बहुत सारे लोग कहते हैं देखो ये अपने आप को कवर करने में कुछ गर्मी पड़ सकती है. तो हम ये कहते हैं इस दुनिया की जिंदगी का आजमाइश है, अच्छी और प्यारी और रिस्पेक्टेबल चीज़ों को प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए, जो हमने कई मिसालों से देखा. और ये प्रोटेक्शन में उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों का खैर है. तो आखिर में मैं एक बात कहूँगा कि जहन्नम की आग इससे बहुत ज़्यादा गर्म है. ये दुनिया की ज़िंदगी एग्ज़ाम की जगह है. यहाँ पे सही काम करेंगे तो हमारे लिए दुनिया का भी बेनिफिट है, मरने के बाद वाली ज़िंदगी का भी बेनिफिट है. थोड़ी हो सकता है किसी सिचुएशन में थोड़ी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन एक बेटर बेनिफिट के लिए ऑनर, इज्जत, चेस्टिटी और दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ मिलती है. और बाकी हम देखते हैं जहन्नम की आँख तो इससे बहुत ज़्यादा गर्म है. उससे बचते हुए और उससे बचने के लिए हमें चाहिए कि सही एक्शंस करें जिसमें हमारी दुनिया आखिरत दोनों का फ़ायदा है. जज़ाकल्लाह खैर.